दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो के बाकी पार्ट को जरूर देखिएगा, वरना आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों आपने पिछले वीडियो में देखा था कि बुल्ली बाबा से बोलता है कि बाबा मुझे लगता है कि गुल्ली और सौंच जंगल में होंगे, हमें एक वक्त चलकर देख लेना चाहिए। ये सुनते ही बाबा अपनी बाइक को काफी तेज में जंगल की तरफ लेकर जाने लगते हैं। और इधर गुल्ली जीप द किलर के पास दोबारा आ चुका है और जीप द किलर गुल्ली को देखकर हंसने लगता है। थोड़ी देर बाद जीप द किलर गुल्ली को एक जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से गुल्ली दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। ये देखकर ब्लेंडर मैन बोलता है, जीप तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जीप द किलर हंसते हुए बोलता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम इसे मारकर कीमा बिरयानी बना दो और मुझे पार्टी दे दो। जीप द किलर की बात सुनकर ब्लेंडर मैन बोलता है, बस इतनी सी ही ख्वाहिश है तेरी, मैं अभी इसे मारकर कीमा बिरयानी बनाता हूँ, बस दारू ले आओ, अभी मैं इसे अपने पैरों से कुचलने जा रहा हूँ। इसके बाद ब्लेंडर मैन अपने पैरों से गुल्ली को कुचल देता है और हमें उसका खून देखने को मिलता है। तो क्या गुल्ली मर चुका है? अब वो हमारी स्टोरी में दोबारा कभी नहीं आने वाला? नहीं, असल में हुआ कुछ और है। जब ब्लेंडर मैन गुल्ली को कुचलने जा रहा था तो गुल्ली के चारों तरफ एक शील्ड बन जाता है और उसकी वजह से ब्लेंडर मैन का पैर फिसलता है और वो पानी में गिरकर बेहोश हो जाता है। और ये सब देखकर जीप द किलर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ, और इस डेड बॉडी को भी कुछ आइडिया नहीं है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और ये लोग एक लगातार गुल्ली की तरफ देख रहे होते हैं और तभी इन दोनों को किसी की बाइक की आवाज आने लगती है। तभी ये दोनों पहाड़ी की तरफ मुड़कर देखते हैं। अरे ये क्या, ये तो बाबा की बाइक है, तो इसका मतलब क्या बाबा यहाँ पर आ चुके हैं? लेकिन ये तो बाबा की बाइक पर बुल्ली आया हुआ है। और अगर बाबा बुल्ली के साथ नहीं है तो बाबा है कहाँ? बुल्ली को देखकर जीप द किलर बोलता है, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो? मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, तुम यहाँ से जिंदा वापस लौट जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर बुल्ली बोलता है, मैं गुल्ली का भाई हूँ, तुम मुझे मार सकते हो तो मार लेना, लेकिन जरा पीछे तो देखो, तब तुम्हें पता चलेगा। इसके बाद जीप द किलर अपने पीछे देखने लगता है लेकिन उसके पीछे कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर वो बोलता है, मुझे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो, कहीं वो डर के मारे भाग तो नहीं गया? ये सुनकर बुल्ली बोलता है, अबे गधे तू अपने पीछे नहीं बल्कि मेरे पीछे देख। ये सुनकर जीप को गुस्सा आ जाता है और वो बुल्ली की तरफ मुड़ता है और बोलता है, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लगता है कि तुम्हारा दोस्त डर के मारे भाग गया है, लेकिन मैं नहीं भागूंगा, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ तुम। ये सुनकर बुल्ली बोला, ठीक है मार लेना तुम, लेकिन जरा ध्यान से ऊपर तो देखो, फिर पता चलेगा कि कौन है बाप और कौन है बेटा। और टेंशन नहीं है कोई बात, क्योंकि आ गया है तुम्हारा बाप। और तभी जीप द किलर को कुछ दिखाई देता है और बोलता है, ये कौन है, देखने में तो बड़ा मस्त दिख रहा है। दोस्तों क्या होगा जब बाबा और ब्लेंडर मैन आपस में टकराएंगे, ये हम देखेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो पर 100 कमेंट के बाद आएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।